हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर मोस्ट लविंग चैनल मोटिवेशनल टेल्स। जब कभी भी सब छोड़ छाड़ कर भाग जाने का मन करे तो कहाँ जाएं और क्या करें? बनारस चले जाएं, अपने परिवार की एक फोटो लेकर। सिर्फ 2 घंटे बैठ जाएं मणिकर्णिका घाट पर, उठती हुई चिता की लपटों में खो जाएं। आपको अपनी सारी तकलीफ, चिंता, दुख, परेशानी, उम्मीदें, कर्ज, झगड़े, डिग्री, बेरोजगारी, बीमारी, सब कुछ उन चिताओं की आग में जलती हुई दिखेगी। 1 मिनट के लिए सोचें कि आपसे पहले भी आपसे अच्छे लोग थे और आपके बाद भी होंगे, लेकिन सबकी अंतिम अवस्था बस एक लोटा भर राख है। फिर जेब से अपने परिवार की फोटो निकालकर एक बार सबका चेहरा देखें। फिर सोचें कि महादेव ने आपको परिवार के रूप में कितना कीमती तोहफा दिया है। अगर आप भागे तो दुनिया के एक कुत्ते तक को आपके भाग जाने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके इस परिवार का क्या होगा? फिर एक लोटा खरीदें, उसमें गंगा जल लेकर अपनी सारी परेशानियों को उसी गंगा जल में घोलकर भोलेनाथ को चढ़ाकर त्रिपुंड लगाकर लौट आए और भरोसा रखें कि जो महादेव पूरी सृष्टि भस्म करने की क्षमता रखते हैं, वो आपकी परेशानियों को भी 1 सेकंड मात्र में भस्म कर देंगे। प्राचीन समय से ही ऐसा होता रहा है। जब लोग बूढ़े होने लगते हैं, वो काशी चले जाते हैं क्योंकि वह वहीं मरना चाहते हैं, लेकिन अब यह बस एक विश्वास बन गया है। जीते जी एक आत्मज्ञानी व्यक्ति बनना क्या आवश्यक नहीं? अपना शरीर छोड़ने से पहले 5 तत्वों के खेल से ऊपर उठना है तो पहले कम से कम अपनी नश्वर प्रकृति का एहसास होना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी नश्वर प्रकृति का एहसास करता है और उसका सामना करता है, सिर्फ तभी ईश्वर से मिलन की लालसा एक असली शक्ति बनती है, वरना सारी आध्यात्मिक प्रक्रिया बस एक मनोरंजन समान है। नश्वरता जब आपके शरीर के रोम रोम में बैठ जाती है, समा जाती है, वही परम सत्य है। तभी जीना और यह जीवन असलियत बनती है और तभी आपको आपकी प्राकृतिक शाश्वतता का एहसास होता है। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।